दोस्तों निकल चुके हैं और चलने वाले आज कैप्चर पुराड़ी की ओर जा रहे हैं। पूरा कैप्चर करेंगे किस प्रकार से क्या क्या होने वाला, क्या क्रिएट क्योंकि तो वही जाके करेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं गर्मी काफ़ी हो गए, तो ज़्यादा बता नहीं सकते, वहीं चलेंगे भाई करेंगे सारी बात। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गए अपनी मंजिल पर, यहाँ से करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट क्योंकि हम चाह रहे थे यहाँ पर पहुँचेंगे। काफ़ी देर से हम आए, काफ़ी दूर से आए तो पूरा शूट करने वाले हैं और दिखाने वाले कैसे यहाँ भूमि पूजन हो रही है जो आज यहाँ पर चल रहा है और पल यहाँ पर है। और यहाँ आप देख रहे हैं केदारनाथ से दिल्ली के धाम की और मंदिर की ओर, और यहाँ पे है बख्तावरपुर और यहाँ पर से चालू हो रहा है यहाँ से स्टार्टिंग। चलते दिखाते हैं किस प्रकार की पूजा और क्या क्या कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं और कौन कौन यहाँ पर आज आए हुए हैं और कितनी लोग यज्ञ पूजा हो रही है यहाँ पर, और वो भी दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि भूमि पूजन हो रहा है। काफ़ी प्रकार की यज्ञ यहाँ हो रहे हैं और हर इंसान यहाँ पर यज्ञ करवा रहे हैं जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सभी परिवार बैठे हैं यहाँ पर, हवन पे हवन यहाँ चल रहा है, जितने भी सभी लोग यहाँ पर उससे दिख रहे जा रहे हैं, कुछ उत्तराखंड से लेकर भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाया गया पिठा जो हमारे उत्तराखंड का ट्रेडिशनल ड्रेस देखा जाएगा, उस तरह से यहाँ पर पिठा लगाया। और हमने भी किया थैंक यू सो मच। कैसे क्या हो रहा है यहाँ, प्रोग्राम क्या हो रहा है बताएंगे जरा? यहाँ पर केदारनाथ जी की स्थापना हुई मंदिर की और हमें बहुत खुशी है, हमारे रघुनाथ जी यहाँ पे आए हैं, आयोजन रखा है, बहुत खुशी है हमें। जय केदारनाथ बाबा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू आपका सो मच। दिख रहे हैं कलश की बहुत सारी चीजें यहाँ अपडेट है और यहाँ पर लगातार पूजा होती जा रही है, जितने यहाँ पर है माता बहने लगी है और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर क्राउड इतना नजर आ रहा है यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग हैं और आज उत्तराखंड क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं, मैं चाहता हूँ सबको दिखाया जाए। सारी माता यहाँ पर बैठे हैं, किस प्रकार से है यहाँ से ट्रेन स्वागत की हो रही है और इस प्रकार से यहाँ पर क्राउड नजर आ रहा है, भीड़ पे भीड़ हो रही है। कार्यक्रम उत्सव के रूप के सामने रख दी, सभी आयोजकों का, सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर मंच पर जितने संत का अभिनंदन स्वागत और आप सबको प्रणाम करते हुए बोले केदारनाथ बाबा की, शंकर भगवान की, गौ माता माँ भगवान के भगवान के भगवान के सब पे जो देखा जा रहा है काफी भीड़ है और हमारे जो संत महात्मा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, अच्छा लगता है इस तरह से यहाँ पर एक माहौल बना रहा है और क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से पब्लिक यहाँ आई हुई है और आज लग रहा है कि केदारनाथ के सारे दर्शन करने के लिए सारे भक्त यहाँ पहुंचे हैं। केदारनाथ बोले, जय केदारनाथ बाबा की, जय केदारनाथ बाबा की। तो सभी केदारनाथ के सारे जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं, आज लग रही है कि पूरी भीड़ यहाँ पर है, इसी भीड़ हमेशा रहनी चाहिए और हमारे सारे लोग यहाँ पहुंचे जो उत्तराखंड के वासी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ यहाँ पहुंचे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, तो ऐसे हो रहा चाहिए हमेशा है, तो ठीक है। बहुत सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, देखते रहे और इस तरह से और आज एक हमें ऐसे एक मौका मिला कि सभी लोगों को जुड़ने का एक प्रयास है, सभी लोग यहाँ पर जुड़े, काफी लोग यहाँ भीड़ है, क्राउड नजर आ रहा है यहाँ पर और धीमे धीमे करके और भी क्राउड यहाँ पर आने वाला है। और इस प्रकार से भी जैसे मैं बहुत दूसरा हूँ वैसे ही यहाँ पर लोग दूसरा है, आज बुराड़ी के अंदर ही हो रहा है, बख्तावरपुर के अंदर और यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं सारे उपस्थित गण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे उत्तराखंड का एक क्षेत्र नजर आ रहा है। यहाँ पर खूबसूरत माहौल बना हुआ है और मैं यहाँ पर आज कैप्चर करने और आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार की क्राउड और किस तरह का भीड़ होती है यहाँ पर जब केदारनाथ बाबा का नाम लिया जाता है, तो सभी भक्त यहाँ पहुंच जाते हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं, जिस प्रकार क्षेत्र वासी है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग आए, सब लोगों से बातें की जाए और हमारे भाई बहुत से भाई भी यहाँ पर खड़े और काफी बेहतरीन तरीके से यार यहाँ की इन्होंने बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर लोगों को सभ्य तरह से बिठा रखे और बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर आए हुए। और मैं चाहता हूँ कि ये भाई हमारे बैठे हैं बहुत भाई, ये भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले सलूट किया जाए। तो इसी प्रकार से सभी लोग यहाँ पर खड़े और काफी यहाँ हमारे जो वीआईपी वो भी है यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ में सारे प्रेस पूरे डिपार्टमेंट यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो कैप्चर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर और भी पब्लिक को केदारनाथ बाबा की जो दर्शन यहाँ पर करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से, यहाँ पर काफी माता बहने आई हैं, हम चाहते थोड़ी सी बातें हुई उनसे। माता जी नमस्कार, कैसे लग रहा है अभी आपको? ठीक लग रहा है सर, ठीक लग रहा है, यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ सबको दिखाएं यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठी है माता बहने
कैसे लग रहा है आप लोगों को? केदारनाथ बाबा यहाँ विराजमान करे, आवाज नहीं आ रही, करे विराजमान, यस। तो यहाँ केदारनाथ बाबा जरूर विराजमान करे, किसी को भी काशी न जाना पड़े, यहीं पर भी विराजमान कर देना, काशी नगरी से उठा के यही आते हैं। तो यहाँ पर देखने को लगा, यहाँ पर देखने को लगा, और क्या देखा कर दीजिए, हेलो कर दीजिए, क्या बात है, यही तो चाहिए हमारे मुस्कान। और यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर हमारी बहना जो सारे, अच्छा एक ग्रुप रूप है क्या, क्या चीज है आपका ये केदार धाम मंदिर? ग्रुप भी है क्या आपका, किसी संस्था से भी जुड़े आप? क्या बात है, मंडली, अच्छा धाम मंदिर यही हमें धाम की जरूरत, बिल्कुल सभी हम लोग मिलजुल के सब यही हम लोग बिल्कुल बात है। आस्था भावना कहीं भी हो सकती है, भगवान जहाँ है वहाँ भगवान है, सबके दिल में वास करते हैं भगवान, किसको ढूंढने का तो नहीं है। तो यहाँ पर काफी पब्लिक यहाँ नजर आ रही है, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर सुंदर भीड़। और यहाँ पर और भी दिखाता जाता हूँ मैं, किस प्रकार से यहाँ लोग हैं, अदर जगह के भी और हर जगह के, यहाँ पर यहाँ लगता है लोगों को गर्मी भी लग रही है, क्या बात है, पंखे लेकर बैठे हुए हैं तो गर्मी नहीं लगती, जहाँ भगवान का नाम होता है सुंदर, यहाँ पर काफी लोग फिर बैठे। चलिए एक छोटी सी गुड़िया से पूछते हैं, क्या नाम है बेटा, नाम क्या आपका, नाम क्या है? नहीं पता, नहीं पता, ये बात बताएंगे। यहाँ पर क्राउड नजर आ रहा है, और देखिए यहाँ पर माता पहले पहुंच रही है और जगह जगह से आई हुई है। आप कहाँ से आए, नहीं लगा बुराड़ी से आए, कहीं और से, लक्ष्मीपुरा से, तो कैसा लग रहा है? तो केदार धाम आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए? क्या करने वाले भाई केदार धाम में, क्या करने वाले, पूजा अर्चना करने वाले हो? तो किसका नाम लेने वाले हो? भोले बाबा का, भोले को मनाएंगे, यहाँ पर आए सारी महिला तो भोले को ही मनाएंगे। जिस तरह से सोमवार आज बुधवार का दिन नजर आ रहा है, और अगर सोमवार चलते और भी दिखाते हैं, यहाँ पर सभी लोग आस्था भाव दिखाते हैं। माता जी क्या है आपने, क्या भी है झंडा, किसी का झंडा, यहाँ पे क्या हाल है, नजर आ रहा है हमारों में, तो यहाँ से आप जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं और क्या होने वाला है यहाँ पर, पूरी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, चलते पूरे दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, और जगह में भी दिखाएंगे क्योंकि क्राउड जहाँ पर दिखना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए माता बहने बैठी है गर्मी का आचरण लेते हुए, और आगे दिखाते हैं किस प्रकार से यज्ञ हो रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर चल रही है वो भी दिखाएंगे प्रकार, क्योंकि जिस तरह से जहाँ भगवान का वास होता है तो पॉसिबल है वहाँ पब्लिक होती है, जैसे केदारनाथ में भीड़ होती है, आज मुझे बुराड़ी क्षेत्र में भी नजर आ रही है यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, पूरी माता बहने जो है कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसों के साथ बैठे, इनसे भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से कहता है। अच्छा जी नमस्कार जी, माता बहना पहला गला सब उदाहरण सब ऐसा होता है सब उत्तराखंड अक्षर तुम, हाँ कैसे लागू तुम्हें बताओ, भक्त फल ये क्या है ये बताओ, सेम आज कलश यात्रा में कितनी औरतों ने कलश उठाया आज, 1500 से ऊपर, तो क्या बात है, आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया है, आज दिखा दिया केदारनाथ ही लेके आएंगे हम, है बाबा को ही लेके आएंगे है, बहुत हो गया हम बहुत काशी में चले गए हैं, तो अब हम दिल्ली में भी लाना चाहते हैं, और ये बुराड़ी क्षेत्र में आने वाले हैं, ये कौन सी जगह में, ये क्या नाम है जगह का नाम, क्या बख्तावरपुर में आने वाले भैया केदार बाबा, क्या बात, थैंक यू सो मच आपका धन्यवाद। तो इस प्रकार से और भी दिखा रहा हूँ लोग यज्ञ और तप करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और यज्ञ तप के साथ जिस तरह से बाबा को कह रहे हैं कि आओ हमारे घर आइए और हमारे इस शहर नगरी में पहुंचिए, और जिस प्रकार से पूजा हो रही है, भावना चल रही है, हो रही है, और यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे हमारे बड़े बड़े लोग उपस्थित यहाँ पर है और चाहते हैं कि इस प्रकार से सभी लोगों के भावना आस्था रहे, और इसी प्रकार से यज्ञ और तप करें, और तप करने के बाद जब यज्ञ नहीं करेंगे तब तक भगवान कैसे आएंगे। तो आज जिस तरह से यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण पंडित जी यहाँ पे घूम रहे हैं, तो यहाँ पर यज्ञ की तप चल रही है, और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है, और हर चीज की यहाँ सुविधा की है, जिस तरह से आप पानी की सुविधा भी की है, लोग पानी भी पी रहे हैं और उसका मजा भी ले रहे हैं, और भी साथ साथ दिखाते हैं। और माता जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, तो आपने पूजा कर रही है यहाँ पे, तो कैसा लगा आपको, आप पूजा कर रहे हैं, आनंद आया कि लगा कि भैया आप केदार पहुंच गए, देवर बाबा के नाम का सुना जाए, जय बाबा केदारनाथ, थैंक यू धन्यवाद। तो यहाँ पर देख रहे पूजा होती आ रही है और लोग जाते आ रहे हैं, कितने यहाँ पर क्राउड नजर आ रहा है, जिस प्रकार से काफी पंडितों ने अपना यहाँ पर आज पूजा स्थान पर बैठे हुए और पूजा करा रहे हैं, कुछ लोग कलश तथा हर प्रकार की कला बांधा जा रहा है, और यहाँ पर बुजुर्ग भी यहाँ पर आकर पूजा करते नजर आ रहे हैं, काफी यज्ञ यहाँ पर मुझे समाप्त हो गए हैं और कुछ यज्ञ यहाँ पर अभी चल ही रहे हैं, क्योंकि पूजा जिस तरह से होती आ रही है यहाँ पर, जिस तरह से समय होता जा रहा है उस तरह से समय पूजा की आचरण चलता जा रहा है, यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है कि पूजा किस प्रकार से, और यहाँ पर यज्ञ के अंदर घी दिया जा रहा है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, और आज
मैं चाहता हूँ कि बख्तावरपुर में आज केदारनाथ बाबा का जरूर वहाँ पर उपवास हो, और हम चाहते हैं कि जितने अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत सुंदर लग रहा है। अभी आपने पूजा की नहीं की यहाँ पर? आज भी पूजा की है। तो आज कितने कलश यात्रा निकली थी कुछ बताएंगे आप? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है सर। आप उत्तराखंड से? किस जगह से? उत्तराखंड रुद्रपुर। तो रुद्रपुर में क्या चीज सबसे बेस्ट है जो आपको अच्छा लगता है? हमारे यहाँ तो सब कुछ बेस्ट ही है, उत्तराखंड हमारा बेस्ट है, सब कुछ सुंदर है। अच्छा, प्लस हमारे यहाँ पे सुरकुल है जो लोगों को रोजगार देता है। तो मैंने सुना कि यहाँ पर अभी पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं या आ चुके हैं? उनको आने वाले हैं, अभी तो टाइम लगेगा उनको आने में। उनका टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है। थैंक यू सो मच भैया, जय केदारनाथ बोल दिए एक बार। थैंक यू सो मच भैया। तो यहाँ पर माता बहनें भी कह रहे हैं कि हमारे भी छोटी छोटी सी मेलो है, तो कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पर? मुझे तो लग रहा अच्छा नहीं लग रहा है, आवाज में जान नहीं है, बहुत चल रहा है। मंदिर बनने वाला है, आज भूमि पूजन हो गई है, कैसा लगा भूमि पूजन? सर आनंद आया, इतनी गर्मी में माता भले बैठे पसीना निकाल रहे, फिर भी मेरे भोरे मना तो चलिए लग रहा है। यहाँ पर माता भले भी पूजा करने में लगे, लगता है पंडित जी आ गए और पंडित जी करने वाले बैठे पंडित जी और अपना चल दीजिए। और जिस तरह से आप पूजा चल रही है, मैं लगता है आस्था भाव लोगों पर रखती है कि भोले को बनाकर भोले को यहाँ लाने ही वाले हैं, क्योंकि भोले काफी भोले हैं। तो सर कैसे लग रहा है सर अभी आपको यहाँ पे पूजा? तो भोले को बना के छोड़ेंगे सर आप? मतलब भोले को ला के छोड़ेंगे? इस बार आपने प्रण कर लिया? क्या बात है सर, कैसा रहा केदारनाथ का धाम? पंडित जी आप बताइए कैसा रहा? आनंद कैसा लगा अभी यहाँ पर? क्या बात है, यहाँ पर यही चाहिए। हम चाहते हैं जितने भी लोग हो भोले के नाम जो भी भोले यहाँ पर प्रसिद्ध है, और आज भोले की जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है यह यूके पहाड़ी ब्लॉग्स कर रहे हैं। आप देखते जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं यज्ञ तप करते हुए, थोड़ी सी इनको गर्मी जरूर लग गई है, तो गर्मी के साथ ये आनंद ले रहे हैं यहाँ पर कूलर का। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मंदिर बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो अभी क्या आज क्या हुआ था यहाँ पर बताएंगे? कलश यात्रा की उत्तराखंड में ही चाहिए हमें, उत्तराखंड में। क्या बात है, आपने बहुत सी बात कही आज, जो आपने बात कही ना बहुत अच्छी बात कि हमें उत्तराखंड में यहाँ लाना है। क्या बात है, केदारनाथ को जो यहाँ लाएगा तो उत्तराखंड में ही पहुंच जाएगा। तो ये बहुत शानदार है, यहाँ पर यज्ञ होते हैं, तप तप कर रहे हैं। जय बाबा उत्तराखंड कहते हैं, जिस तरह से केदारनाथ की पूजा हो रही है, यज्ञ पर यज्ञ हो रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें रखी हुई है। और यहाँ प्रदात कितने, मुझे लगता है कि यहाँ पर कितने यज्ञ है इसके भी बारे में जानना चाहता हूँ। पंडित जी नमस्कार, कैसे? अच्छा यहाँ पर कितने यज्ञ हुए आज बताएंगे थोड़ा सा? 51 यज्ञ हुए हैं। कितने? 51 यज्ञ। क्या बात है यार, पहली बार ऐसा यज्ञ होता रहता है यहाँ पर? यहाँ पे पहली बार हुआ, यहाँ जो है ना भूमि पूजन हुआ है आज। भूमि पूजन हुआ है, केदारनाथ का मंदिर बनेगा यहाँ पे। तो आज कितने लोगों ने आपसे पूजा करवाई है? अभी तो मेरे यहाँ लगभग 10 लोग बैठे हुए हैं। 10 लोगों ने पूजा करा दी है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि केदारनाथ मंदिर यहीं पर बन रहा है। अच्छा, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो वैसे केदारनाथ बुराड़ी में ही बनना चाहिए। बुराड़ी में बनेगा। क्या बात, थैंक यू, धन्यवाद। जय जय बोले, जय भोलेनाथ बोल लीजिए। जय भोलेनाथ। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत थैंक यू। यहाँ छोटे छोटे पंडित को पूछते हैं कैसा लग रहा है, ये हमारे बीच छोटे छोटे पंडित है, कैसे भैया कैसे आप? नमस्कार जी, कैसे हैं पहले बताइए? कैसा लग रहा है आपको अभी यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आपने कितनी पूजा की यहाँ पर? है एक पूजा। और पंडित जी आपने, आपने शास्त्रीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? हरिद्वार से। श्री हरिहर वैदिक गुरुकुलम। अच्छा आप बताइए पंडित जी, आपने कहाँ से प्राप्त किया ज्ञान? मैंने हरिहर वैदिक गुरुकुलम। अच्छा जी, हम चाहते हैं आपने जो मंत्र इसमें किए, कुछ छोटे से मंत्र हमें भी सुना सकते हैं, जिससे हमारे शिव जी को भी प्रसन्न कर सके? आप तीनों आदेश साथ में आइए। धनम धान्यम वसुम बहुपत्र लाभम कसम वसरम दीर्घम आयुः। क्या बात है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मंत्र जो सुनाया।
करेंगे। तो अभी आपको कैसा, इतनी सारी पब्लिक, इतना क्राउड है, खुशी हो रही है? तो भगवान जी आप भोले जी आने वाले हैं या नहीं आने वाले? तो ब्राड़ी में आप करने वाले धूम सारी। अच्छा, कोई कीर्तन मंडली आपकी ये बताइए, कोई ग्रुप है क्या? कोई कोई संस्था है भैया से? तो किस नाम से संस्था है? बद्रीनाथ। क्या बात है, केदारनाथ को लाने वाले हो, बद्रीनाथ यहाँ पहुँचे हुए हैं भाई, क्या बात है। केदारनाथ और बद्रीनाथ को आप इकट्ठे मिलाने वाले हैं? हाँ जी, बद्रीनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर है पास में। तो अभी कैसी गर्मी हो रही है पहले बताइए, गर्मी कैसे हो रही है यहाँ की? क्या बात है, दिख रही लाली आपके फेस पे नजर आ रही है। नहीं, नहीं। हमारे उत्तराखंड वाले कितना खाते पीते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, धन्यवाद, सॉरी थोड़ा गिर गया पानी, कोई बात नहीं। और अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि भगवान का दर्शन होने वाले हैं यहाँ पे बहुत जल्द। जो हम जाते थे काशी जाते थे, केदारनाथ जाते थे, लेकिन अब प्रभु हमारे यहीं पर आ रहे हैं। तो एक बार हो जाए जयकारा, हो जाए स्टेज की, बोलिए जय केदारनाथ भगवान की, जय भोले बाबा की। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह महिलाएं मंडल चलते हैं, नहीं दे दीजिए थोड़ा सा, और काफी अच्छा लगता है इसी तरह से माता बहनें यहाँ पर जुड़ी है। और आज जिस प्रकार से नजर आ रहा है यहाँ पर, और क्राउड ऐसी भरा रहना चाहिए और आना चाहिए लोग, और जिस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक आ रही है, मेरे को अच्छा अच्छा लग रहा है इस प्रकार से। और आप भी जुड़े इस प्रोग्राम के अंदर माता बहनें, और ये मार्केट जैसे तेरा मेला लगा पड़ा है और जिस प्रकार देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और एक आचरण बहुत शानदार बेहतरीन है। यहाँ पब्लिक चलती जा रही, आती जा रही, जाती जा रही, देखे कितनी खूबसूरत पब्लिक है यहाँ पर नजर आ रही। माता बहनें यहाँ पहुंची हुई है और एक अच्छा माहौल बना पड़ा है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक मंदिर में नजर आ रहा है, दिखाते हैं आप थोड़ा सा इस मंदिर की भी एक मतलब महिमा, कहते हैं कि महिमा है। और इसका आज भोले बाबा यहाँ पर साक्षात विराजमान करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले किस प्रकार से कितने कलश और कितनी वो हुई थी, और उसकी पूरी यहाँ दिखाया जाएगा। और ये पानी से भरा समुद्र जिस तरह से ठंडा पानी होता है, और आइए दिखाते हैं यहाँ पे कलश की कितनी सारी भीड़ है। और आपको जूते उतार लेता हूँ, क्या पता यहाँ जूते उतार अलाउ नहीं हो, और लेकिन आज आपको कलश दिखाने वाला हूँ, कितने सारे कलश है यहाँ पर, इतने कलश देखने को मिल रहे हैं। मुझे सुनाई दिया कि यहाँ पे 1500 कलश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहां से नजर मारो और दूर दूर तक आपको कलश ही कलश, कलश ही कलश, इतने नारियल भैया, सोच सकते हो तो क्या होने वाला है। और यहाँ पे पूरी महिला मंडल जो बैठी हुई है, इसी का ध्यान रख रहे हैं। कैसा लग रहा है जी अभी आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। आज आपने भी कलश उठाया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। तो बाबा को बुलाने वाले यहाँ पर है, चलिए ठीक है। आपको कैसा लगा जी? जी तो केदार बाबा को बुलाने वाले हो, आज स्थापना कर दी, तो ठीक है। यहाँ पर कितनी खूबसूरत महिला यहाँ पर आई है सारे यहाँ पर। अच्छा जी सर, कैसा लगा जी आपको यहाँ पर? देखिए हम तो पूरे दिन इतने दिन से लगे हुए हैं, और भोलेनाथ की इच्छा थी कि हमें आज ये सेवा देनी है। बिल्कुल, हम सभी सेवा दे रहे हैं। सुबह 5 बजे से कलश में लग गए थे। अच्छा जी, तो आज सारा बुरा अच्छा लग रहा है कि सारे मातृशक्ति यहाँ पे आई है, और देख लो उत्तराखंड की वेशभूषा में आई हुई है। अच्छा, तो हमें अच्छा लग रहा है, और देखे सारे कलश लगे। बिल्कुल, तो हमने कहा कि जब भंडारा शुरू हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको कलश देना शुरू करेंगे। ये तो कह रहे हैं भूमि पूजा को लंबा लेके चलो, इतना जल्दी खत्म कर रहे हैं। देखिए आज हमारी पूरी मातृशक्ति जितने बुराड़ी, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा ना बार बार। और सबसे बड़ी बात, केदारधाम जो उत्तराखंड में 6 महीने खुलता था, ये 12 महीने खुलेगा। क्या बात है, सबसे बड़ी बात है, मतलब अब हर भक्त यहाँ पर पूरा दर्शन ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है, केदार धाम की ही शिला, ऐसे ही बर्फ की शिला, मतलब बर्फ बनते रहेगी, ऐसे ही मंदिर बना रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, और 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, वैसे गुफा बनेगी। क्या बात है, वो बने जो उत्तराखंड नहीं जा पा रहे थे, उनको हम दिल्ली में केदार धाम के दर्शन करवाएंगे। क्या बात है सर ने, क्या बात बताइए भैया, यहाँ पर वही चीज मिलने वाला है। लेकिन यहाँ से कोई बहने वाला नहीं है पहाड़ पर, बर्फों से है, लेकिन यहाँ का आनंद जरूर मिलने वाला आपको, पूरे वैसे जैसे केदारनाथ में है। तो ये बात अच्छा, एक अच्छा इन्होंने एक बोध किया है। मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप लोग आए और यहाँ के दर्शन लें, और केदार बाबा के दर्शन मिलना भैया बड़ा मुश्किल होता है, और आप केदार बाबा के दर्शन लीजिए यहाँ कर। और बुराड़ी के अंदर ये बख्तावरपुर के अंदर ये खूब मंदिर बनने वाला है, ये काफी बड़ा ग्राउंड है, जहाँ आज पुष्कर सिंह धामी जी भी आने वाले हैं, उनके आचरण से कार्य होने वाला है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, दिखाते हैं आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। में दिखाते हैं कैसे प्रकार से यहाँ पर कितने लोग लगे हुए हैं आज भंडारे के लिए, इतने सारे यहाँ उपस्थित हैं लोग आज। कितना यार, इन लोगों की सबसे ज्यादा मेहनत सभी इन्हीं की होती है, क्योंकि भंडारे का जो प्रसाद जो बनता है इनके हाथों से बनता है, और ये भी केदार बाबा के भक्त हैं सारे के सारे। एक बार बोलते हैं जय भोलेनाथ, बोलते एक बार जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ। क्या बात है, ये देखिए अपने प्यार से बना रहे हैं, और पूरियों का पूरा इतना बड़ा ड्रम भर दिए गए, और काफी मेहनत इनकी होती है। देखो गर्मी में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं यार, ये सभी लोगों के लिए यार प्रसाद बना रहे हैं। तो यार मैं तो कहता हूँ भोले बाबा का जरूर आशीर्वाद इन लोगों पर जरूर बने रहे यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। तो आपको चक्कर तो नहीं आ रहे किसी को? भोले बाबा की कृपा आप लोगों में, क्या बात है।
ऐसी भोले बाबा की कृपा रहनी चाहिए आप लोगों पर, और लोगों को प्रसाद खिलाइए, क्योंकि प्रसाद जो बनाता है ना भगवान उसके साथ रहता है, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, चाचा को कैसा लग रहा है ये बताइए, मजा आ रहा है प्रसाद बनाने में, भक्तों के लिए प्रसाद बनाने में, क्या बात है भैया, ऐसी हमें चाहिए लोग और भक्तों के लिए प्रसाद बनाते रहे। और आज का जो प्रसाद होने वाला है ये कितने काफी लोगों के लिए प्रसाद है, कम से कम कितने लोगों का आइडिया आप लोगों को, कितने लोगों का प्रसाद है ये, 5-6 हजार लोगों का। तो भैया ये तो बहुत बड़ी बात है, 5-6 हजार लोगों को यहाँ मिलने वाला है प्रसाद और यहाँ से वितरण होने वाला आगे। तो चलिए देखते ज्यादा बातें करते हैं, थैंक यू सो मच सभी लोगों, एक बार फिर बाबा केदारनाथ की, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से लोग सभी जुड़े हैं और आज काफी बेहतरीन हो रहा है यहाँ पर, काफी यहाँ पर मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं और काफी अनुभवी लोग हैं, और एक ग्रुप जो हमारा ऐसा है जो यहाँ पर खड़ा है, और हमारे ग्रुप के जो सबसे खूबसूरत है, जो क्या कारकुन की तारीफ करूँ है, जरा बता एक बार इंट्रोडक्शन खुद ही दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और हार्दिक अभिनंदन आभार प्रकट। उसके बाद जो हमारे भाई साहब हैं जो अभी हमारे से कुछ पूछ रहे हैं उनका भी आभार अभिनंदन। अब गर्म बहुत हो यहाँ, गर्म तो हाला, गर्म जाला ऐसी मिल जानी बाबा, ऐसी मिल जानी भोलेनाथ, ऐसी मिल जानी केदारनाथ, जतन करो बोला उनको ऊपर हाथ रहे, बस सब पे कृपा बने रहे, सभी भक्तों पे आशीर्वाद बना रहे। अभी हमारे साथ बीच में एक और है जो हमारे, इनकी तारीफ करूं क्या, बहुत कम है यार, ये हमारे उत्तराखंड के साज बाज यार, क्या बोलूं, ये तो सबसे पहले निशे नाम पूछता था, आपका शुभ नाम, गणेश जी, थोड़ा सा थोड़ा सा हवा में आप आएंगे तो मजा आएगा आपको, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी ना, और कैसा लग रहा है आज का यहाँ का माहौल, कैसा हो रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी का है पर बाबा की मर्जी जैसी है तो उसमें ही मजे, हम भी यार कृपा है बाबू की जो आपको खड़ा कर रखा है, और आप साज बाज के साथ आज यहाँ बाबा को लेकर आए, तो कैसा कैसा यहाँ लग रहा था जब आप यहाँ पर बाबा को लेकर आ रहे? बहुत खूबसूरत, अभी एक बार फिर एक नंदा देवी की राजा यात्रा निकलेगी। अच्छा, तो भोले बाबा की आपने निकाल दी है और आप निकलने वाली है नंदा देवी का, आप लोग बने रहे बिल्कुल, तो हो जाए जय बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, दिखाते हैं इनका एक जो टोला बहुत शानदार बहुत बेहतरीन जो बना हुआ है हमारे शिव भगवान का, जो केदारनाथ से साक्षात यहाँ पर लाए, और उनकी तो कृपा सभी भक्तों पे बनी रहती है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर भोलेनाथ जी वास कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरे मंदिर के अंदर दिखाया जा रहा है, छत्र के नजर आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर जिस तरह प्रस्थान करने वाले बाबा यहाँ आने वाले, और वही एक माहौल बना रहता है, और बहुत शानदार जिस तरह से प्रभु की यहाँ आगमन हो रहा है, और जिस प्रकार से आज भूमि पूजन हुई है यहाँ पर, और हमारे कुछ यहाँ पर लोग हैं ग्रुप के जो यहाँ बैठे हुए हैं, और उनसे भी थोड़ा थोड़ा दर्शन आपको कराते हैं यहाँ पर साज और आज वाले भैया, नमस्कार, कैसे क्या आज क्या कर रहा था आपने, क्या गया? अभी बस पंत जी के साथ अभी स्टार्टिंग में वंदना वगैरह हुई है, अच्छा आगे अभी है कार्यक्रम, तो अभी कार्यक्रम और क्या होने वाला अभी? अभी तो ऐसा मुझे पता नहीं मिल रहा, फिर नंदा देवी राजा। अच्छा, क्या बात है यार, छोटे छोटे बच्चे लगे अपने सुर ताज को जो हमारे उत्तराखंड का है वो बजाने लगे हैं, यार दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार अच्छी तरह से बजा जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग ली आपने, ये ट्रेनिंग तो ली ली थी, तो आज कैसे बजा रहे हो, क्या पता जब हमारे उत्तराखंड में भैया उत्तराखंड के बंदे हैं तो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बिना ट्रेनिंग के भी खूबसूरत बजा सकते हैं, बजाइए जरा सा, 1-2-3 स्टार्ट, क्या बात है, बिना ट्रेनिंग के अच्छी बजाय तो सोचा ट्रेनिंग ले लेंगे तो क्या करने वाले हैं, ये झूम मचाने वाले खूब सारा। तो साथ में आए अभी हमारे यहाँ पर साक्षात मोती जी से, आइए मोती शाह जी कैसे हैं आप, पहले सभी बताइए, आपके तो बहुत गुणगान गाते हैं लोग, बस ठीक है, यही तो थोड़ी कमी हमारी, मोती शाह जी बोलते हैं बस ठीक है, जय उत्तराखंड तो बोलते एक बार, ये बात ही, और जी कैसे हैं आप तो मशहूर हैं और आपके पुत्र भी बहुत मशहूर है जो पूरा धूम मचाया हुआ है उत्तराखंड के अंदर, तो कैसा लग रहा आपको यहाँ पर आकर, तो आज केदार बाबा को बुलाने वाले हो यहाँ पर, खूब लोग बर्फ में डूबे हैं, खूब लोगों ने धो के लिया है, लेकिन केदार बाबा यही आने वाले हैं, तो कैसा होने वाला है यहाँ पर, धमाल मचने वाला, धमाल होने वाला है, तो भैया ये हर जगह होना चाहिए, यहीं पर केदार बाबा बसने चाहिए, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ा पड़ा है, काफी बेहतरीन तरह से यहाँ पर साथ आज बात के साथ करने वाले हैं, और आज चलते हैं और भी चीज आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कैप्चर होने वाला है, और अभी ट्रेडिशनल ड्रेसों के साथ यहाँ बैठे हैं, और मिलते जाते हैं सिर्फ पंत जी से फिर बातें करेंगे।